नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा वाले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, इनकी यदि थ्योरी कॉन्सेप्ट यदि हम समझ लेते हैं तो इन पर आधारित क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ होते क्या है। तो देखिए, विद्युत परिपथ में एक्चुअल में होता क्या है, खूब सारे विद्युत अवयव होंगे। अब विद्युत अवयव का मतलब हो सकता है कि वहां पर प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। विद्युत अवयव का मतलब क्या है, प्रतिरोध जुड़ी जुड़ा हो सकता है, कोई कुंडली हो सकती है, साथ में कोई संधारित्र हो सकता है। तो इस तरीके के यदि कोई अवयव जुड़े होते हैं, ट्रांजिस्टर है, प्रतिरोध है, कुंडली है, संधारित्र है, तो उनको हम कह रहे हैं विद्युत अवयव। और उनके साथ में विद्युत वाहक बलों के स्रोत यदि जुड़े हुए हैं तो उनका जो समूह है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्लियर? अभी हम एक दो डायग्राम जब देखेंगे तब बेटर तरीके से हमें समझ में आएंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें संधि की। तो संधि में क्या होता है कि कोई भी जब विद्युत परिपथ हम लेते हैं तो उसके किसी बिंदु पर तीन या तीन से अधिक जब शाखाएं मिलती है तो उसको हम संधि कहते हैं। जब तीन शाखा मिल सके या तीन से ज्यादा यदि शाखाएं किसी एक ही बिंदु पर यदि मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहा जाता है। क्लियर? फिर बात आती है शाखा या ब्रांच की। तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें विद्युत धारा का मान नियत रहता है शाखा कहलाती है। एक विद्युत परिपथ का ही हिस्सा होता है जिसमें धारा की वैल्यू नियत रहती है तो उसको हम क्या कहेंगे, शाखा कहेंगे। फिर बात आती है पास की। तो पास में क्या होता है, एक बंद परिपथ होता है जिसमें विभिन्न चालक प्रतिरोध और विद्युत अवयव लगे होते हैं, पास कहलाता है, लूप कहलाता है। देखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। किरचॉफ ने जो जटिल विद्युत परिपथ है उनका विश्लेषण करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम दिए, दो नियम, और उन दोनों नियमों का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको हम संधि नियम भी कहते हैं। देखो क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0 होगा, शून्य होगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये जो नियम है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने से पूर्व हमें चिन्ह परिपाटी समझनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन हमें समझना पड़ेगा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम लेंगे धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम लेंगे ऋणात्मक। क्लियर? तो जैसे ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, इसमें ये एन जो बिंदु है वो एक संधि है, इसमें आई वन धारा आ रही है, आई टू आ रही है, आई थ्री आ रही है, आई फोर, आई फाइव, इनमें से आई वन, आई थ्री और आई फाइव तो संधि की ओर आ रही है, जबकि आई फोर और आई टू ये संधि से दूर जा रही है। तो देखिए, संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम लेंगे धनात्मक। कैसे लेंगे धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। देन ये चिन्ह परिपाटी इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो नियम देख लीजिए, समेशन आई इक्वल टू क्या होता है, 0। देन यहां पर जो आई वन है वो संधि की ओर आ रही है, आई टू संधि से दूर जा रही है इसलिए माइनस में, आई थ्री संधि की ओर आ रही है, यहां पर देखिए आई थ्री संधि की ओर आ रही है इसलिए प्लस में, आई फोर है वो संधि से दूर जा रहा है इसलिए माइनस में, आई फाइव संधि की ओर आ रहा है इसलिए इसको प्लस में, और इन सब का जो योग है वो 0 के इक्वल कर देना है। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम, पहला नियम। क्लियर? इसमें देखिए ये है संधि की ओर आने वाली धाराएं, इसको हम आई टू, ये जो आई टू है और आई फोर है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, आई टू और आई फोर को, देन ये हमें मिल जाएगा। तो
ये तो आ रही है संधि की ओर, ये जा रही है संधि से दूर की ओर। तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इस नियम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्लियर। तो देखिए जो संधि नियम है इसको हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, और इस नियम में आवेश संरक्षित रहता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। देखिए इसमें अब आपको पहला जो नियम है इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो इसका गणितीय रूप आपको ध्यान में रखना है, समेशन आई इक्वल टू जीरो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में आपको छोटा मोटा कोई डायग्राम दिया जा सकता है इस तरीके का, और उसमें बहने वाली धाराएं आपको पूछी जा सकती है, क्लियर। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम, द्वितीय नियम, इसे हम लूप नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी संधि बंद परिपथ में प्रतिरोधकों एवं सेलों पर विभव पत्रों का बीजगणित योग शून्य होता है। तो समेशन वी है वो कितना होगा, जीरो। एक हमारे पास में कोई बंद परिपथ है और उसमें प्रतिरोधक लगे हुए हैं, सेलों के ऊपर विभव पतन है, उनका बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है। तो समेशन वी इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ये इसका गणितीय रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या है कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों पर विभव पतनों का बीजगणित योग लूप में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो ये दूसरे तरीके से है। तो इनमें ये नियम कब यूज में लेंगे, मतलब ये प्रारूप कब यूज में लेंगे और ये प्रारूप कब यूज में लेंगे, ये चिन्ह परिपाटी पर डिपेंड करेगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी अलग अलग होगी। मैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे को इनकी विभव पतनों का योग और जो विद्युत वाहक बल है इनका जो मान है वो कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेना है, यही है चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर आप देखें कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध पर धारा की दिशा में चलने पर जो विभव पतन है उसको हम लेंगे धनात्मक, कि हम कोई बंद परिपथ के अंदर पूरा एक राउंड लगाएंगे और यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो उस विभव पतन को हम लेंगे धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर जो विभव पतन होता है उसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु की ओर कि किसी बंद परिपथ में सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाने पर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है उससे धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक, और धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेना है। तो देखिए इससे आप समझ लीजिए कैसे है बंद परिपथ में, कि हमारे पास में जैसे ये कोई विद्युत वाहक बल स्रोत है, एक बैटरी है, दूसरे नियम को समझा रहा हूं मैं, ऋण से धन की ओर जा रहे तो धनात्मक, ऋण ये धनात्मक वाला है और ये ऋणात्मक वाला है, तो हम चल रहे हैं ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर, तब तो आपको क्या लेना है, धनात्मक। और जब आप धन से ऋण की ओर चलते हैं तब आपको लेना है ऋणात्मक। तो विद्यार्थी ये तो तब लेना है जब आप इस वाले नियम को फॉलो करते हैं, क्लियर। और इसका अपोजिट ले सकते हैं जब इसको आप फॉलो करते हैं, क्लियर। तो दोनों नियमों को जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है पहले नियम पर आधारित, हमें यहां पर एक डायग्राम दे रखा है और इस धारा आई का मान पूछा है। तो देखिए विद्यार्थी ये एक सर्किट दे रखा है, जाल दे रखा है, इसमें इधर धारा आ रही है 1.5 एम्पियर की, इधर से आ रही है 3 एम्पियर की, तो 1.5 एम्पियर की इधर से चली जाएगी। अब यहां पर आती 1.5 में से 1 एम्पियर इधर चला गया तो यहां से जाएगी 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर इधर से आ रही है, उसमें से भी 2.25 इधर चली गई, 0.25 इधर चली गई, तो यहां से कितनी रह गई हमारे पास में,
यहां पर रह गई हमारे पास में 0.25, कितनी रह गई है 0.25 रह गई है, क्लियर। देखिए यहां से इस आई का मान, देखो यहां पर आई वन का मान निकाला है जो कि 1.5 ही है, आई का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्लियर। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल का अंदर थोड़ा सा बड़ा है बट आपको इसको ये समझना है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, इसमें हम पहला नियम भी अप्लाई करेंगे और हमें इस सर्किट के अंदर क्या पूछा है कि प्रत्येक भाग में से बहने वाली धाराएं कितनी है। तो देखिए हम यहां से बहने वाली, ये एक 14 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, यहां पर 6 ओम, यहां पर 4 ओम और यहां पर 2 ओम के रेजिस्टेंस यहां पर लगे हुए हैं। देखिए यहां से हम कंसिडर कर लेते हैं कि धारा आ रही है आई, यहां से कितनी धारा आ रही है आई, ये दो टुकड़ों में टूट जाती है आई वन तथा आई टू में। अब यहां से दो टुकड़ों में टूट गई तो इस बात को हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया, किरचॉफ का पहला नियम हमने यहां पर लगा दिया है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू। अब हम वापस इस डायग्राम की ओर लौटते हैं, देखिए इस डायग्राम में हमें क्या दे रखा है कि हम एक बंद परिपथ ले रहे हैं ए बी ई एफ ए, तो ए ये रहा, बी फिर है ई, तो ई ये रहा, इधर से चलेंगे फिर एफ ए, तो ये क्लोज लूप हो गया, ये वाला ऊपर वाला लूप हम लेकर चल रहे हैं। तो इस क्लोज लूप के अंदर क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो यहां से हम चलेंगे तो यहां ऐसे चले तो यहां से धारा बह रही है आई, तो 4 × I, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, हम धारा की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, 4 I हो गया। फिर हम इधर चले, इधर चलेंगे तो देखिए यहां पर यदि आप इसमें माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, इसका मान प्लस में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं प्लस में, तो बराबर के दूसरी तरफ लेंगे आप, और यदि इसका मान माइनस में लेते हैं, देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना बैटरी के, और यदि आप माइनस में इसका मान लेते हैं तो बराबर की इस तरफ लेंगे, तो हालांकि इक्वेशन वही आएगी। देखो मैं आपको बताता हूं कि यहां से आ गई हमारे पास में 4 I, फिर माइनस से प्लस की ओर चले तो -10 वोल्ट, फिर यहां पर आ गए यहां 6 पर तो प्लस में 6 I1, फिर यहां से होते हुए माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो -14 = 0, इनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन ही आएगी, ये वाली इक्वेशन ही हमें प्राप्त होनी है। तो दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है विद्यार्थियों। तो ये हमारे पास में आ चुकी है ये वाली इक्वेशन, इसमें आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 4 I1 + 4 I2, ये 6 I1 पढ़ाई है, इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल चुकी है, क्लियर। इसी प्रकार से अब हम दूसरा वाला लूप लेकर चल रहे हैं, दूसरा लूप कौन सा है, बी सी डी ई बी, तो बी सी डी ई बी, तो ये वाला लूप हम लेकर चल रहे हैं, ये लूप हम लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से हम चलेंगे। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं तो देखिए क्या होता है वो भी देख लीजिए कि यहां से हम चले, यहां से चले तो इसके ऊपर 2 × I2 धारा जा रही है, इसमें हम चले तो धारा की विपरीत दिशा में तो -6 I1, और प्लस से माइनस की ओर तो बराबर के उस तरफ लेंगे, माइनस में लेंगे, क्लियर। तो ये हमारे पास में आ चुका है 6 I1 - 2 I2 = 10, और इसको हम समीकरण 2 को यहां पर ले आते हैं, 2 यहां पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका आधा करके हम लिख रहे हैं यहां पर, तो 5 I1 2 I2 = 12, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 I1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो I1 का मान आ गया यहाँ से 2 एम्पियर, I1 का 2 एम्पियर आ गया। तो अब हमें इक्वेशन नंबर इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, देखिए कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसकी वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो 2 × I1 6 × 2 और माइनस में 2 × I2 और 10 आ गया। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करें -2 I2 = 10 − 12, -2 I2 = -2 I2 = 1, तो I2 का मान आ चुका है, I1 का मान आ चुका है, I का मान यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो विद्यार्थियों ये था किरचोप के नियम। इसमें हमने पहला और दूसरा नियम देखा, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना इसमें होती है। क्लियर? पहले नियम में आवेश संरक्षित रहता है, दूसरे में ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्लियर? अब हमें इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बढ़ते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है, एक ऐसा जटिल परिपथ होता है, मतलब वैसे इसको आसान कर दिया गया है, तो इस परिपथ की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसको सीएफ व्हीटस्टोन ने 1842 में तैयार किया था। इसका उद्देश्य है ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अब यहां पर आप देखें व्हीटस्टोन सेतु के अंदर चार रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस, जो कि किसी एक वर्ग की या चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर लगे होते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि आमने सामने के दो शीर्षों से हम एक बैटरी, एक पूंजी और एक धारा नियंत्रक यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, और शेष दो शीर्ष हैं उनके मध्य एक धारा मापी और एक गैल्वेमीटर यहाँ पर हम संयोजित कर देते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई इसके परिपथ की बनावट। फिर ये कैसे काम करता है? तो विद्यार्थी यहां से जो धारा I आ रही है, ये यहां पर दो टुकड़ों में टूट जाती है, I1 तथा I2। अब इस बिंदु B और D के ऊपर भी ये आगे अलग भागों में विभाजित हो सकती है। तो देखिए इस G में से, मतलब धारा मापी में से जाने वाली जो धारा है उसको हम ले लेंगे IG। तो देखिए यहां से गुजरने वाली जो धारा है वो I1 माइनस IG रह जाएगी, और ये यहाँ से आकर इस I2 में मिल जाएगी, तो I2 प्लस IG हो जाएगी, और यहाँ पर इनका जब फिर से हम टोटल करेंगे तो I1 प्लस I2 आ जाएगा, जो कि I के इक्वल ही होगा। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जब कि बिंदु B से D की ओर धारा बहेगी या D से B की ओर धारा बहेगी, ये किस पर डिपेंड करता है? यदि इसका विभव, बिंदु B का विभव ज्यादा है बिंदु D के विभव से, तो B से D की ओर बहेगी, और जब बिंदु D का विभव ज्यादा है बिंदु B के विभव से, तो धारा D से, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब जब दोनों का ही विभव समान हो जाए, दोनों का ही विभव क्या हो जाए, एक समान हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि VB और VD जब दोनों बराबर हैं, तब यहां से बहने वाली धारा जीरो हो जाएगी, IG का मान जीरो होगा। तो यहां से बहने वाली धारा I1 रह जाएगी, यहां से बहने वाली धारा I2 रह जाएगी। क्लियर? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सिद्धांत भी यही कहता है हमें कि बिंदु B का जब विभव ज्यादा हो D से, तो B से D की ओर धारा प्रवाहित होगी, धारा मापी में एक तरफ विक्षेप आएगा, और जब D का विभव ज्यादा हो तो D से B की ओर धारा बहेगी, और धारा मापी में पहले से विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा। एक स्थिति ऐसी है कि बिंदु B और D का विभव जब बराबर होता है तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। इस स्थिति को हमने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति के अंदर जो IG है वो जीरो हो जाता है। तो देखिए VB और VD दोनों बराबर हैं, इसे दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, VA यहाँ पर जोड़ देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब देखो VA और VB के मध्य वोल्टेज ड्रॉप, और VA और VD के मध्य वोल्टेज ड्रॉप, मतलब विभवांतर A और B के बीच में, तो I1P हो गया, यहां पर धारा बह रही है I1, और P इसका रेजिस्टेंस, A और D के बीच में I2 धारा बह रही है R, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहां पर देखेंगे I1P और I2R दोनों बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुकी है। क्लियर? इसी प्रकार से हम पुनः संतुलन की स्थिति हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर VB और VD दोनों बराबर हैं, दोनों में से हम VC घटा लेते हैं। अब देखो B और C के मध्य और D और C के मध्य जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होते हैं, इसका मतलब ये आ गया कि B और C के मध्य, तो यहाँ से धारा तो बह रही है I1 और Q, इसमें रेजिस्टेंस तो I1Q, इसमें से धारा बह रही है I2 और S इसका रेजिस्टेंस, तो I2S आ जाएगा। तो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी, I1Q बराबर है I2S के। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, P/Q इक्वल टू आ जाएगा R/S। इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध। क्या कहा जाता है?
संतुलन प्रतिबंध कहा जाता है। इसके अंदर जो एस है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि यदि हम व्हीटस्टोन सेतु की सेल वाली भुजा को धारा मापी वाली भुजा से एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो संतुलन की स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? देखिए इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है विद्यार्थियों कि यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में जो पी क्यू आर एस है उनके मध्य ये रिलेशन होता है, पी बट्टा क्यू बराबर होता है आर बट्टा एस के। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में धारा मापी में शून्य विक्षेप प्रवाहित, मतलब धारा जीरो बहती है, शून्य विक्षेप होता है। तो इसका दोनों उल्टा भी सिद्ध है कि ये यदि पी बाई क्यू बराबर होता आर बाई एस के तो धारा नहीं बहेगी, और धारा नहीं बहती है तो ये रिलेशन इनमें होगा। क्लियर? आपको दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें विक्षेप शून्य दे देंगे, हमें इसका अनुपात दे दिया जाएगा कि जैसे ये 10 है ये 5 है और ये जैसे मान लीजिए कि 20 है तो ये वाला कितना होगा। तो इन दोनों का रेशियो पी बाई क्यू का और 20 बाई एस का सेम होगा, इस रिलेशन से हम ज्ञात कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय ध्यान रखनी है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं अगला, इसका पार्ट है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु के अंदर विद्यार्थियों 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला प्रतिरोधक तार लगा होता है, इसलिए इसका नाम मीटर सेतु पड़ा है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी बनावट की। तो देखिए यहां पर 3 तांबे की पत्तियां होती है। कितनी तांबे की पत्तियां है? 3 तांबे की पत्ती है, 2 L आकार की, इस तरीके से 2 तो L आकार की होगी, बीच में एक सीधी पत्ती होगी। क्लियर? इन 2 L आकार की पत्तियों के मध्य यहां पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु सी है, इनके मध्य एक स्केल लगी होती है और 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है एसी। एसी 1 मीटर लंबा वायर होता है जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या यूरेका नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर? इसके साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अज्ञात प्रतिरोध और यहां पर एक परिपथ भी जुड़ा होगा, इसमें एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक यहां पर जुड़ा होता है। ये ए और सी के मध्य लगा होता है, किसके बीच में जुड़ा होगा? ए और सी के मध्य। तो ये तो है इसका परिपथ चित्र, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान में रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नीन की जो मीटर सेतु में प्रयुक्त जो वायर होता है 1 मीटर लंबा, वो मैग्नीन या और कॉन्स्टेंटन का होता है। क्लियर? तो ये तो इसकी बनावट हो गई। फिर हम बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करता है और इसका सिद्धांत क्या है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ये प्रतिरोध यहां से एक क्या होगा, इसमें 4 रेजिस्टेंस है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है पी से लेकर बी तक, सॉरी ए से लेकर बी तक, इस रेजिस्टेंस को हम पी कहेंगे, और बी से लेकर सी तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्यू कहेंगे, आर भी रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है उसको आर कहेंगे, और इसके रेजिस्टेंस को हम क्यू कहेंगे, मतलब एस कहेंगे। और जब डी से जुड़ा हुआ जो धारा मापी है, इससे विसर्पी कुंजी है, इस तार एसी के ऊपर हम खिसकाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति में ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन वाली स्थिति को सेटिस्फाई करेगा, पी बाई क्यू का अनुपात आर बाई एस के इक्वल होगा। और देखिए इस पी का जो मान है, पी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो इसे तार AB की लंबाई के समानुपाती होगा। जो तो P है वो इसकी लंबाई L के समानुपाती, और Q है वो इसकी 100 - L, इसकी जो लंबाई है वो 100 - L बची है, इसके समानुपाती होगा। तो यहां से हम क्या पुट कर दें कि जो हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान में रखना है। देन है पी है वो एल के समानुपाती और क्यू है वो 100 - L के समानुपाती। तो पी बाई क्यू है वो 100 L/100 - L के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से
हम क्या जानते हैं, संतुलन प्रतिबंध पी बाई क्यू बराबर होता आर बाई एस, तो इस पी बाई क्यू के स्थान पर हम आर बाई एस रख देंगे और हमारे पास में अज्ञात प्रतिरोध है, इसका फॉर्मूला आ चुका है सो माइनस एल बटे में एल इंटू में आर। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु के लिए अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, फिट करके रख लीजिए, सो माइनस एल बटे में एल इंटू में कैपिटल आर। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो मीटर सेतु है उसमें मोटी तांबे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है प्रतिरोध को कम रखने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मीटर सेतु है उसके सिरों के ऊपर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण से इसकी सुग्राह्यता प्रभावित होती है। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर हम केरी फोस्टर सेतु का प्रयोग करते हैं। इसमें एक अंतिम पार्ट, इस वीडियो अंतिम पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास में है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। विभव मापी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है दो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए यूज में लेते हैं, ये एक प्रायोगिक युक्ति होती है। क्लियर? देखिए हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर भी विभवांतर का मापन करता है, विभव मापी भी विभवांतर का मापन करता है, लेकिन विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन होता है कि जब वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, तो देखिए यहां से जब हम वोल्ट मीटर को इस सर्किट के अंदर, जैसे हमारे को बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसके सिरों पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, इसमें से आई में से कुछ धारा इसमें से जाएगी आई डेस, तो यहां से कितनी धारा रह गई, आई माइनस आई डेस रह गई। तो ये जब रीडिंग देता है तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वास्तविक वोल्टेज ड्रॉप से थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़ा सा कम हो जाता है तो जो रीडिंग है वो त्रुटिपूर्ण आती है, त्रुटिहीन विभवांतर का मापन होता है। जबकि विभवांतर जब रीडिंग विभव मापी जब रीडिंग देता है, मापन करता है, तो उस समय वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है, ये धारा का अंश ग्रहण नहीं करता। तत्पश्चात एक जो विभव मापी होता है वो एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, उसमें त्रुटि शून्य होने की संभावना होती है। क्लियर? अब यहां पर हम चर्चा करते हैं विभव मापी की बनावट की। तो विभव मापी के अंदर एक लकड़ी का बोर्ड होता है और उस बोर्ड के ऊपर एक एक मीटर लंबे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के वायर चित्रानुसार लगे होते हैं। यहां पर 1 मीटर लंबी एक स्केल भी लगी होती है और इनके दोनों सिरे को ए और सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? देखिए हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही वायर प्रयोग में क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ताप का न के बराबर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के वायर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हम विभव मापी के सिद्धांत की बात करते हैं। तो विभव मापी के ऊपर जो वायर लगा होता है उसके ऊपर एक समान रूप से वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्लियर? तो देखिए विभव मापी की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान विभव मापी के ताप पर एक समान रूप से वितरित विभवांतर से तुलना करके ज्ञात करते हैं, यही विभव मापी का सिद्धांत है। समझेंगे आप कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये विभव मापी है तार एसी, पूरा का पूरा विभव मापी, इसको हम शॉर्ट में ऐसे ही दिखाएंगे। इससे हमने क्या कर दिया, एक तो प्राथमिक परिपथ जोड़ दिया है, इस प्राथमिक परिपथ के अंदर एक बैटरी ई पी, एक कुंजी के और एक धारा नियंत्रक आर एच लगा हुआ है। इससे हम जोड़ेंगे एक दूसरा परिपथ और उससे हम कंपेयर करके, पहले वाले से कंपेयर करके हम इस विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लेंगे, ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ये तो प्राथमिक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ के अंदर जो लगा सेल है उसका विद्युत वाहक बल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल से सदैव कम होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति ही प्राप्त नहीं होगी। क्लियर? इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें विभव प्रवणता को अच्छे से समझना होगा। विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं ईपी बट्टे में एल। ये ईपी है वो प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल और एल है विभव मापी तार की लंबाई। क्लियर? तो देखिए यदि हम इसको दूसरे फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं कि प्राथमिक परिपथ के अंदर बहने वाली धारा आई, उसका रेजिस्टेंस यदि जो विभव मापी में प्रयुक्त दो तार है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर
तो ई पी बराबर वी ए सी बराबर हम आई इंटू आर पुट कर सकते हैं, और विभव प्रवणता को हम आई आर बटे में एल से भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए किसी बिंदु की विभव विभवांतर ए और बी के बीच का विभवांतर नापने के लिए उसकी लंबाई संतुलित लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, तो जो विद्युत वाहक बल है वो अक्स इंटू एल के बराबर होगा। अक्स यहाँ पर विभव प्रवणता होती है। अब दो अनुप्रयोग आपको देखने हैं। पहला अनुप्रयोग देखें कि दो सेल हम ले रहे हैं, प्राथमिक सेल और उनके विद्युत वाहक बलों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ये प्राथमिक परिपथ का सेल है, ये द्वितीयक परिपथ में दो सेल लगे हुए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं। तो देखिए यहाँ से एक द्विमार्गी की कुंजी, ये सर्किट आपको ध्यान में रखना है, कुंजी अक्ष को हम जोड़ेंगे और संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर अक्ष को हटा देंगे, वाई को लगा देंगे, फिर संतुलित लंबाई ज्ञात कर देंगे। तो इनके विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात होता है विद्यार्थियों, वो इनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। E1 बटा E2 बराबर होगा L1 बटे में L2 के। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। इसके अलावा अंत में आप देखिए प्राथमिक सेल के विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हमारे पास में एक विभव मापी है, इसमें ये प्राथमिक परिपथ लगा हुआ है, ये इसका तार AC है, इसके द्वितीयक परिपथ में एक सेल, इसके साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 इसके समांतर क्रम में लगी हुई है। क्लियर। इस सेल की ऋणात्मक सिरे से हमने एक धारा मापी और उससे एक विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। पहले कुंजी K2 को खुला रखते हैं, फिर संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। तब जो संतुलित लंबाई हमें प्राप्त होती है वो E बराबर अक्स L1 के बराबर होती है। और अब हम K2 को लगा देते हैं, फिर हम संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं, तो इसके सिरों का जो टर्मिनल विभवांतर है V, वो अक्स L2 के बराबर होता है। और आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, R बराबर L1 माइनस L2 इंटू में R, ये आपको दिमाग में फिट बैठा लीजिए, यही आपको ध्यान में रखना है। L1 तो है जब परिपथ खुला हो तब संतुलित लंबाई, L2 जब परिपथ बंद हो तब संतुलित लंबाई, और R है जब परिपथ बंद होता है तब उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा प्रतिरोध। अब विद्यार्थी इसमें हमारे को जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ में आपको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की जब हम तुलना करते हैं तो इसका ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इनके सर्किट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार सर्किट दे देते हैं और एक L1 दे देते हैं, L2 का मान पूछ लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, विभव प्रवणता की डेफिनेशन। अब देखो मैं आपको बताऊं कि इस स्थिति के अंदर ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर विभव प्रवणता तो हो जाएगी अक्स बराबर EP बटे में L। EP है इसका विद्युत वाहक बल, L है टोटल लंबाई। तब इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ये बराबर हो जाएगा अक्स और इसकी संतुलित लंबाई L के गुणा के इक्वल, ये हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, विभवमापी में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, मतलब यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी तीनों ही टॉपिक देखे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगला जो वीडियो है वो इन पर आधारित क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।